बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन, जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिसे सभी डीटीएच व केबल नेटवर्क के माध्यम से देखा जा सकता है। नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपको घर बैठे सप्ताह के प्रथम 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी, तथा प्रत्येक शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधित जानकारी के साथ साथ मनोरंजक कहानियों व कठपुतली के खेल का भी आनंद ले सकेंगे। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के लिए प्रतिदिन 3.25 घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 में अंग्रेजी विषय में अल्फाबेट के एल, कक्षा 2 में गणित विषय में हमारे आसपास के पैटर्न्स भाग 2, कक्षा 3 में हिंदी विषय में काट की पुतली, कक्षा 4 में गणित विषय में सममिति व कक्षा 5 में पर्यावरण विषय में खाने से बचने तक भाग 2। दिस इज लेटर के। यह लेटर के है और इसका साउंड होता है क। आप भी मेरे साथ बोलिए, के सेज क, के सेज क। यह कैपिटल के है और यह स्मॉल के है। This is capital K and this is small K। चलिए K से शुरू होने वाले कुछ वर्ड्स हम सीखेंगे। K is for kite, k k kite। K is for key, k k key। K is for kangaroo, k k kangaroo। K is for kid, k k kid। K is for king, k k king। K is for kitten, k k kitten। K is for kite। K is for key। K is for kangaroo। K is for kid, K is for king, K is for kitten। This is letter L। यह letter L है और इसका sound होता है L। आप भी मेरे साथ बोलिए, L says L says L। यह कैपिटल L है और यह स्मॉल L है। This is capital L and this is small L। चलिए L से शुरू होने वाले कुछ वर्ड्स हम सीखेंगे। L is for lion, L lion। L is for leaf, L L leaf। L is for lemon, L L lemon। L is for leg, L L leg। L is for lollipop, L L lollipop। L is for ladder, L L ladder। L is for lion, L is for leaf, L is for lemon,
L is for leg. L is for lollipop. L is for ladder. बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा दो में गणित विषय में हमारे आसपास के पैटर्न्स भाग दो। आज हम हमारे आसपास की वस्तुओं की मदद से पैटर्न बनाना सीखेंगे। विनी, हम अच्छे अच्छे पैटर्न का उपयोग करके हमारे घर की सजावट कैसे कर सकते हैं, यह तय करेंगे। पैटर्न से सजावट? हाँ, हम पूजा के लिए लाल और पीले फूलों की माला बनाएंगे। माला बनाने के लिए दो पीले फूल, एक लाल फूल, फिर दो पीले फूल, एक लाल फूल, ऐसी पैटर्न से फूलों की माला बनाएंगे। मम्मी, ये तो हुआ आपका पैटर्न। मैं तो माला बनाने के लिए पीले और लाल फूलों से थोड़ा अलग पैटर्न बनाऊंगी। अच्छा, तो बताओ कि तुम माला बनाने के लिए कैसा पैटर्न बनाओगी? मैं माला बनाने के लिए एक पीला फूल, तीन लाल फूल, फिर एक पीला फूल, तीन लाल फूल, ऐसे पैटर्न से फूलों की माला बनाऊंगी। अरे वाह, शाबाश विनी, तुम्हारे पैटर्न से तो बहुत ही सुंदर माला बनी। मम्मी, हम दीपावली में घर की सजावट के लिए और क्या क्या करेंगे? हम हमारे घर के आंगन को दीयों से सजाएंगे। मम्मी, हम तीन तीन दिए एक ही लाइन में रखेंगे और ऐसे दीयों से पैटर्न बनाएंगे। विनी, हर बार वस्तुओं को एक ही लाइन में रखने से ही पैटर्न बनता है, ऐसा नहीं है। मतलब, क्या हम किसी और तरह से भी पैटर्न बना सकते हैं? हाँ विनी, देखो, हम हमारे घर के आंगन में ऐसे एक दिया, उसके ऊपर की ओर दो दिए, उनके ऊपर की ओर एक, दो, तीन दिए और उनकी ऊपर की ओर एक, दो, तीन, चार दिए रखकर पैटर्न बना सकते हैं। तो इस पैटर्न में हमें हर बार ऊपर की ओर एक एक दिया ज्यादा रखना है ना? हाँ विनी। मम्मी, क्या हम हर बार ऊपर की ओर एक एक दिया कम रखकर पैटर्न बना सकते हैं? हाँ विनी, उसके लिए हम सबसे पहले ऐसे चार दिए रखेंगे, फिर उनके ऊपर की ओर एक, दो, तीन दिए रखेंगे, फिर दो दिए और आखिर में सबसे ऊपर एक दिया रखेंगे। वाह मम्मी, ये दोनों पैटर्न एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ विनी, देखो, ये है ऊपर की ओर बढ़ता हुआ पैटर्न और ये है ऊपर की ओर घटता हुआ पैटर्न। हाँ, ऊपर की ओर बढ़ते हुए पैटर्न में एक, दो, तीन, चार, यहाँ हमने एक एक दिया बढ़ाया है, और ऊपर की ओर घटते हुए पैटर्न में चार, तीन, दो, एक, यहाँ हमने एक एक दिया घटाया है। मम्मी, हम रंगोली कैसे बनाएंगे? विनी, इस दीपावली पर हम फूलों से रंगोली का पैटर्न बनाएंगे। वो कैसे? चलो सिखाती हूँ। सबसे पहले हम ऐसे एक वृत्त बनाएंगे, उसके ऊपर ऐसे एक लाल फूल और एक पीला फूल रखेंगे। विनी बताओ, अब आगे क्या करेंगे? हम फूलों के इस पैटर्न को दोहराएंगे। शाबाश विनी, इस पैटर्न को पूरा करने के बाद ऐसे एक दिया बनाएंगे, फिर क्या करेंगे?
इस वृत्त आकार में दिए का पैटर्न पूरा करेंगे। शाबाश, अब हम रंगोली के बीच में लाल रंग का एक फूल रखेंगे। मम्मी, अब तो मुझे पैटर्न बनाना अच्छे से आ गया। हाँ, अब तो तुम्हें दिए पर पैटर्न बनाना, फूलों की माला का पैटर्न, दियों से आंगन सजाने का पैटर्न और रंगोली का पैटर्न अच्छे से आ गया, है ना? हाँ मम्मी, मैं स्कूल में अपने दोस्तों को भी पैटर्न बनाना सिखाऊंगी। मम्मी, हम दीपावली में बहुत सारे पटाखे लाएंगे। हाँ विनी, क्या तुम जानती हो कि पटाखों का भी पैटर्न होता है? अरे हाँ, तभी तो ये सारे पटाखे इतने सुंदर दिखते हैं। हाँ, तो दोस्तों, आज हमने हमारे आसपास की वस्तुओं की मदद से पैटर्न बनाना सीखा। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 3 में हिंदी विषय में काठ की पुतली। नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपके हिंदी का पाठ 10, काठ की पुतली नाचे गए। काठ की पुतली मतलब कठपुतली, यानी कि जो किससे बनी हुई होती है, लकड़ी से बनी होती है। आपने देखा होगा कई बार कठपुतलियाँ बेचते लोगों को और नचाते भी, कठपुतली वाला जो है उंगलियों में धागे बांध करके और उनको नचाता है और तमाशा दिखाता है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि राधे और सलीम, इन्होंने क्या देखा। अरे ये चींचू चींचू की आवाज कहां से आ रही है राधे? कठपुतली वाला आया है सलीम। लो देखो, खेल शुरू हो गया। उसका साथी देखो देखो ढोलक बजा रहा है। पुतली झाड़ू लगा रही है राधे, देखो नाच भी रही है। अरे ये तो उड़ गई। पुतली वाला इसको डोरी से ऊपर खींच लेता है। वो उंगलियों में डोरी बांध कर नचा रहा है ना इसको सलीम। अरे अब ये कौन आया? भिश्ती, सुनो सुनो वे क्या कह रहा है। भिश्ती फैजाबाद का पानी है गुलाब का। अरे वो पानी का छिड़काव कर रहा है। अरे ये क्या आ रहे हैं? देखो कठपुतली वाले के पास, अब क्या लेके आया कठपुतली वाला? कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे ऊंट घोड़े पर कोई आ रहा है। चलिए चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। क्या होगा? अच्छा दरबार लगेगा, कोई राजा घोड़े पर आ रहा है और कोई ऊंट पर। चलो चलो आकर देखते हैं। अरे राधे देखो ये कौन आ गई, एकदम परी जैसी, नमस्ते कर रही है और नाच भी रही है। पुतली वाला तो कमाल का आदमी है। माथे पर टोकरी लेके, सुनो सलीम वो गाना गा रही है। तरकारी ले लो मैं आई बीकानेर से, आलक बेचूं पालक बेचूं और बेचूं चंदलोई, भाव ताव में फर्क नहीं है बच्चा ले या कोई। तरकारी ले लो ले आई मैं बीकानेर से। अब ये राजा क्या कर रहे हैं?
राधे सुनो, इनमें तो झगड़ा हो गया। राधे मारो, काटो, भागो, पकड़ो, मारो। लड़ो मती भाई, लड़ो मती, आपस में लड़कर मरो मती, साथ रहो भाई साथ रहो, मिलजुल कर सब साथ रहो। मजा आ गया, आज का खेल खत्म। कठपुतली का खेल देखकर तो भाई बहुत मजा आया, कमाल है कठपुतली वाले का, जो उंगलियों में डोरी बांधकर उनको नचाता है। तो बच्चों, आपको भी आया ना मजा कठपुतली का खेल देखकर? आइए इस पाठ के कुछ शब्दों के अर्थ हम आपको बता दें। कठपुतलियाँ क्या होती हैं? लकड़ी और कपड़े से बनाए गए पुतले होते हैं। भिष्टी, भिष्टी मशक से पानी छिड़कने वाला मशक होता है, एक पीछे थैला बंधा हुआ होता है उसका, उसको मशक कहते हैं। और तरकारी कहते हैं सब्जी को। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 4 में गणित विषय में सममिति। आज के अधिगम बिंदु हैं अक्षरों में दर्पण व रेखा सममिति, प्रकृति में रेखा सममिति और रेखा सममिति की पहचान करना। और इसके लिए हमें चलना होगा दीपक के घर, जहां वह कहीं घूमने जाने की तैयारी में है। और जब वह खुद को दर्पण में देखता है तो यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसकी शर्ट पर लिखे कुछ अक्षर उल्टे दिखाई दे रहे हैं। और फिर वह यह निर्णय करता है कि क्यों ना अन्य अक्षरों को भी दर्पण में देखा जाए। इसके लिए वह कागज़ पर अक्षर लिखकर पहचानना शुरू करता है। ए, ए उसे बिल्कुल वैसा ही दिखाई दिया, जबकि बी उसे दर्पण में उल्टा नजर आया और सी भी उल्टा ही दिखाई दिया। फिर उसने ई लिखा और ई भी उसे उल्टा ही दिखाई दिया। इसके बाद एच लिखने पर उसने पाया कि एच बिल्कुल एच के समान ही दिखाई दे रहा था। इस प्रकार उसने बहुत सारे अक्षर लिखे और यह जाना कि कुछ अक्षर दर्पण में ठीक वैसे ही दिखाई देते हैं जैसी उनकी आकृति होती है और कुछ उल्टे दिखाई देते हैं। आप भी अक्षरों को इस प्रकार लिखकर प्रयास कीजिएगा और पहचानिएगा कि कौन से अक्षर सीधे दिखाई देते हैं और कौन से उल्टे। अभी हम सममित रेखा की पहचान करते हैं। इसके लिए हमारे पास यह 3 अक्षर हैं। सबसे पहले ए पर मैंने इस प्रकार एक रेखा खींच दी, जिसने ए को 2 भागों में बांट दिया। आप देख रहे हैं कि दोनों ही भाग एक दूसरे के समान दिखाई दे रहे हैं। फिर इस रेखा पर दर्पण रखा और दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देने पर ए पूरा दिखाई दिया, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह रेखा ए की सममित रेखा है और ए एक सममित आकृति। इसी प्रकार हम टी के लिए भी यही विधि अपनाते हैं। टी पर भी हमने एक रेखा खींची और यह 2 भागों में बट गया और दोनों ही भाग एक दूसरे के समान दिखाई दे रहे हैं। और दर्पण रखने पर टी संपूर्ण दिखाई देने लगा और हम कह सकते हैं कि यह रेखा टी की सममित रेखा है। इसी प्रकार एम पर भी हमने बीच में से यह रेखा इस प्रकार खींच दी और एम 2 भागों में बट गया और हमने जाना कि दोनों ही भाग लगभग एक जैसे हैं। और इसकी जांच हमने दर्पण रखकर की तो दर्पण में एम का जो प्रतिबिंब बना उससे हमें एम पूरा दिखाई देने लगा और इस प्रकार हमने कह सकते हैं कि यह रेखा एम की सममित रेखा है। बच्चों, इसी प्रकार हम एक और अक्षर लेते हैं सी और सी में यह रेखा इस प्रकार खींचते हैं और यह 2 भागों में बट जाता है, लेकिन यहाँ दोनों भाग एक के जैसे दिखाई नहीं दे रहे। दर्पण रखकर इसकी जांच की तो जाना
कि सी सी दिखाई नहीं दिया, जबकि एक ओ की भांति नजर आने लगा। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह सी की सममित रेखा नहीं है। लेकिन यदि सी पर हमने रेखा को इस प्रकार खींचा तो हमने यह जाना कि सी हमें पूरा दिखाई देने लगा। अतः कहा जा सकता है कि यह रेखा सी की सममित रेखा है। बच्चों, सममित रेखा आकृति की सममित रेखा वह रेखा होती है जिस पर दर्पण रखे जाने पर प्रतिबिंब बिंब को पूर्ण कर देता है, या यह कह सकते हैं कि ऐसी रेखा जो आकृति को ऐसे दो भागों में बांटती है जो एक दूसरे के समान होते हैं। आइए अब हम प्रकृति में सममित रेखा की पहचान करना सीखते हैं। बच्चों, प्रकृति में हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे तितली, फूल, पत्तियाँ आदि, और इन सभी में भी एक सममिति पाई जाती है जिसके बारे में हम आज जानते हैं। हम इस तितली का उदाहरण लेते हैं। तितली में के चित्र में हमने यह बीच में से यह रेखा खींच दी, और इसे खींचने पर हमने यह पाया कि रेखा के दोनों तरफ की आकृति, जो कि तितली के पंख हैं, बिल्कुल एक समान दिखाई दे रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि तितली सममित आकार की होती है। इसी प्रकार प्रकृति में अन्य वस्तुएं या हमारे आसपास भी कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें हम सममित रेखा या सममिति की पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं यह सेब, और इसमें हमने यह बीच में से रेखा खींच दी। सेब के इस चित्र में कप के इस चित्र में भी बीच में से यह रेखा खींच दी, और आम के इस चित्र में भी बीच में से यह रेखा खींच देने पर हम यह देख पा रहे हैं कि सेब में भी बीच में से यह रेखा खींच देने पर हम यह देख पा रहे हैं कि सेब किस हम यह देख पा रहे हैं कि सेब के चित्र में बीच से खींची गई यह रेखा सेब को दो बराबर भागों में या एक समान भागों में बांटती है। इसलिए कहा जा सकता है कि यह इस चित्र की सममित रेखा है। लेकिन कप के इस चित्र में इस रेखा के दोनों तरफ की आकृति समान नहीं है, अतः यह कप की सममित रेखा नहीं है। इसी प्रकार आम के चित्र में भी रेखा के दोनों तरफ की आकृति भिन्न हो गई, अतः यह इस चित्र के लिए सममित रेखा नहीं है। बच्चों, कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं या आकृतियां होती हैं जिनमें दो या दो से अधिक सममित रेखाएं पाई जाती हैं। अब हम उनकी जानकारी कर लेते हैं। आपके समक्ष यह चित्र है, इसे तो आप पहचानते ही हैं। यह है आयत। आयत में इस प्रकार यह रेखा खींच देने से आयत दो समान और बराबर भागों में बट जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि यह आयत की सममित रेखा है। इसी प्रकार यह रेखा भी तो आयत को दो समान और बराबर भागों में बांटती है, तो यह भी आयत की सममित रेखा हुई। आइए वर्ग में भी पहचानते हैं। वर्ग में यह रेखा इसे दो समान और बराबर भागों में बांटती है, ठीक इसी प्रकार यह रेखा भी करती है। और यदि यह विकर्ण खींच दिए जाएं, तो यह भी तो वर्ग को दो समान व बराबर भागों में बांट देते हैं। अतः आयत में दो सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं या होती हैं, और वर्ग में चार सममित रेखाएं होती हैं। इसी प्रकार यदि वृत्त की बात करें, तो वृत्त में यह रेखा वृत्त को दो समान और बराबर भागों में बांट रही है, ठीक इसी प्रकार यह रेखा भी कर रही है, और यह रेखा भी, साथ ही यह रेखा भी, और यह भी, और यह भी, और इसी प्रकार अन्य रेखाएं भी ऐसा ही करेंगी जो कि केंद्र से गुजर रही होंगी। आप और भी रेखाएं खींचिए और पता लगाइए कि वृत्त में कितनी सममित रेखाएं होती हैं। अभी हम कुछ और चित्रों की बात करते हैं। बच्चों, इस आकार में यह रेखा इस आकार को दो समान और बराबर भागों में बांट रही है, अतः इस आकृति के लिए यह एक सममित रेखा है। और इस समबाहु त्रिभुज में एक यह रेखा,
तो यह रेखा भी तो इसे दो समान और बराबर भागों में ही बांट रही है, और यह तीसरी रेखा भी। अतः हमने जाना कि कुछ आकृतियों में एक से अधिक सममित रेखाएं पाई जाती हैं और कुछ आकृतियों में सममित रेखाएं नहीं होती हैं। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 5 में पर्यावरण विषय में खाने से बचने तक भाग 2। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन में पाठ 14 खाने से बचने तक का भाग ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा। ग्लूकोज तो आपने सुना ही होगा नाम, मीठा मीठा होता है ना, और उसको पानी में घोल करके पीते हैं, सुना है ना आपने, पिया भी होगा आप लोगों ने। और आपको पता है कि बहुत से फल सब्जियां जो हैं उनके अंदर ग्लूकोज भी होता है ना, और इससे हमको क्या मिलती है, इससे हमको मिलती है ऊर्जा। हम खाना खाते हैं, खाना क्यों खाते हैं, हम खाना इसीलिए खाते हैं कि हमको ताकत मिले, शक्ति मिले, ऊर्जा मिले, है ना। तो जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। लेकिन 4-5 घंटे बाद हमें फिर हमारे पेट में क्या होते हैं, चूहे कूदने लग जाते हैं, भूख लगने लग जाती है ना, है ना। तो चलो आज अपन ये पढ़ते हैं कि ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा कैसे मिलती है। बच्चों, जब हम खाना खाते हैं तो लगभग 4-5 घंटे में हमारा भोजन पच जाता है, तो हमको फिर भूख लगने लगती है, ये बात अभी आपको बताई मैंने। और भोजन से हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ताकत आती है। अगर किसी दिन हम खाना नहीं खाते तो क्या होगा, सुस्ती आती है, कमजोरी महसूस होती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, गुस्सा आता रहता है। बच्चों, जब तुम खेल कूद कर घर आते हो और कहते हो मम्मी भूख लगी, मम्मी भूख लगी, तो मम्मा क्या देती है आपको, मम्मी आपको तुरंत फल वगैरह खाने को देती है, मीठे मीठे फल देती है ना। तो ये क्यों देती है, क्योंकि तुरंत शक्ति के लिए ग्लूकोज लिया जाता है। और यह कुछ फलों जैसे काजू, अंगूर, चुकंदर, गन्ने, इनमें बहुत ज्यादा होता है और शरीर को ऊर्जा देता है। अब रजत ना एक बार बीमार पड़ गया तो उसको अस्पताल में जाना पड़ा, तो उसने देखा एक आदमी वहां पे लेटा हुआ है और उसके हाथ में कुछ नलियां वगैरह लगी हुई है, स्टैंड पर एक बॉटल लगी हुई है। तो तुमने भी देखा होगा अस्पताल में कि डॉक्टर एक स्टैंड पर बॉटल लटका देते हैं, उसमें एक नली होती है, सुई होती है, और सुई की सहायता से वो जो ग्लूकोज होता है वो शरीर में पहुंचाते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो वह ग्लूकोज में बदलकर हमको ऊर्जा देता है। जब आप खेलते कूदते हो उसकी शक्ति ग्लूकोज से ही मिलती है। पढ़ाई करने में, भागने में, सांस लेने में, शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में यह ग्लूकोज बहुत ज़रूरी होता है। और तुरंत ऊर्जा के लिए डॉक्टर इसे अस्पताल में आईवी सेट द्वारा चढ़ाते हैं। ये आईवी सेट वही है बच्चों, नली होती है जिसके अंदर एक चैम्बर बना हुआ होता है, इसमें एक सुई लगी हुई होती है। अरे मीरा को क्या हुआ, ये कैसे गिर गई, इसको डॉक्टर के पास ले चलो, जल्दी आओ सब। डॉक्टर जी, ये मेरी सहेली है मीरा, ये स्कूल में अपने आप गिर गई, इसको सांस लेने में परेशानी हो रही है, होंठ भी बार बार सूख रहे हैं। अच्छा, इसको ऐसा कब से हो रहा है? 2-3 दिन पहले मैं बीमार हो गई थी, तब से मुझे भूख भी नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही, कोई काम करती हूँ तो जल्दी से थक जाती हूँ। अच्छा मीरा, आप खाने में क्या क्या खाती हो? मैं रोटी, प्याज, नमकीन। हरी सब्जी, चने, खजूर आदि कुछ नहीं खाती? नहीं। आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई है, भोजन में फल, हरी सब्जियां, अनाज, गाजर आदि खाना शुरू करो, और साथ ही मैं आयरन की गोली दे रही हूँ, वो भी खाना। अरे ये गोली तो हमारे स्कूल में भी मिलती है, पर मैं इसको खाती हूँ तो चक्कर आ जाते हैं और जी घबराता है। आपको खून की कमी यानी एनीमिया हो गया है, ये गोली खाली पेट नहीं लेनी चाहिए,
खाना खाने के आधे घंटे बाद लेनी चाहिए, ठीक है मीरा? इस गोली का नाम आयरन फॉलिक एसिड IFA है। यह शरीर में खून बनाने में मदद करती है, लेकिन इसके साथ ही आपको अनाज, दालें, तिल, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, मछली, लीवर, अगर आप मांसाहारी हैं तो ये भी भोजन में खाने चाहिए। इनमें आयरन होता है और नियमित रूप से आप ये खाते हो तो ये गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी। अच्छी बात है डॉक्टर जी, अब मैं गोली भी खाऊंगी और आपके कहे अनुसार भोजन भी करूंगी। बच्चों, आज हमने पढ़ा है कक्षा एक में अंग्रेजी विषय में अल्फाबेट के L, कक्षा दो में गणित विषय में हमारे आसपास के पैटर्न्स भाग दो, कक्षा तीन में हिंदी विषय में काठ की पुतली, कक्षा चार में गणित विषय में सम्मिति व कक्षा पाँच में पर्यावरण विषय में खाने से बचने तक भाग दो। प्यारे बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए, इसलिए शिक्षा दर्शन आपके लिए हर शनिवार लेकर आए हैं नो बैग डे। यहाँ आप करियर से संबंधित जानकारी, क्राफ्ट, कला, पपेट शो, जीवन कौशल व मनोरंजक कहानियाँ सुनेंगे, नई जानकारियों का लाभ व ढेर सारा मनोरंजन। नो बैग डे के साथ देखना ना भूलें शिक्षा दर्शन। बच्चों, हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर है सेंटर स्क्वायर फाउंडेशन। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग के शिक्षिका सुश्री नीलम धनवानी जी, डॉक्टर रश्मि गोगर जी व डॉक्टर वर्तिका गुलाटी जी ने आज के वीडियो में अपना योगदान दिया है, तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट एड इंडिया फाउंडेशन एवं पीरामल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके सुझाव हमें ईमेल और डाक द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और डाक का पता है निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 111 सहेली मार्ग, सहेलियों की बाड़ी के सामने, उदयपुर 313001।